أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه

पिछले प्रोग्राम में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली क्या हैं इस मौदू पर चंद अहम बातें हमने सुनी थी आज के इस प्रोग्राम में जिस का इंतब अमल में आया है मोहब्बत ही के तल्लक़ से रसोल्ला सल्ला वसल्लम से मोहब्बत के इसब हम आखिर क्यों अल्लाह के नबी वसल्लम से मोहब्बत करें उसके क्या इसबाब हैं क्या जराए हैं किन असबाब की बुनियाद पर मोहब्बत करना चाहिए और ये मोहब्बत कैसी हो इस सिलसिले में चंद अहम बातें इस दर्स में मैं रखने की कोशिश करूँगा दुआ करें अल्लाह रब्लम हम तमाम को जो भी बातें हम सुने समझ रहे हैं कि अल्लाह तोफ़ी और उसके जो अमली तकाजे हैंमल की सदत अल्लाह नसीब फ़रमाएँ आमीन या रब्बारमीन इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो हम जानते हैं उसका कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है चाहे वो सबब फितरी हो जैसे इंसान को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती हैं वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत होती हैं मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एक दोस्त को दोस्त से मोहब्बत होती है रिश्तेदारों को आपस में मोहब्बत होती है तो ये फ़ितरी जो है सबब हैं इसकी बुनियाद पर मोहब्बत आपस में होती है। इसी तरह चाहे ये सबब एतदी हो या शर् हो जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती हैं चाहे मोहब्बत करने वाला अपने अहसास को बयान कर सके, या उसकी गोयाई माफी ज़मीर के अदा करने पर ना हो और महब्बत के असब दिखें जिस कदर अहम और जज्बात के ज़्यादा करीब होंगे मोहब्बत इसी कदर ज़्यादा काबिल तारीफ और काबिल रश्क होती हैं चूँकि फितरी मोहब्बत जिसकी तरफ मैंने इशारा किया यह हमारा मौजू नहीं है दूसरा जो मोहब्बत का सबब है एत और शर्य उस मोहब्बत के तल्ल से जो है कुछ बातें मैं इस दरस में ज़िक्र करूँगा एहतदी और शर्य अतबार से देखिए हम जानते हैं हमें सबसे ज़्यादा हमारे रब हमारे हमारे महसिन हमारे खाल मबूद बरहक अल्लाह रब्लम से जो है मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह की जादा से मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह से मतलक जो भी चीज़ें हैं अल्लाह के दीन से मोहब्बत अल्लाह की किताब कुरान मजीद से मोहब्बत अल्लाह के रसूलों से मोहब्बत अल्लाह के फरिश्तों से मोहब्बत और इस तरह अल्लाह के जो अलिया हैं अल्लाह के दीगर जो नेक बंदे हैं उन तमाम से मोहब्बत हमें होनी चाहिए तो इसी मोहब्बत का जो तखादा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हम करें आपसे हकीकी मोहब्बत हमें हो सच्ची मोहब्बत हो तो आइए इसके क्या इस्बाब हैं इसके चंद अहम इस्बाब जिसकी तरफ अहलील ने कर किराम ने तोजो दिलाई हैं और अपनी किताबों में उसका ज़िक्र किया है उन चंद अहम इसबाब का मैं आज के दरस में जिक्र करने की कोशिश करूँगा सबसे पहला सबब देखिए हम अल्लाह के नबी सल्ह वसम से मोहब्बत करते हैं ये महब्बत अल्लाह की वजह से अल्लाह की वजह से हम अल्लाह के नबी वसल्लम से मोहब्बत करते हैं चूंकि अल्लाह से मोहब्बत हमें है और उसका लाजमी तफादा है कि आपके प्यारे नबी सल्ला के महबूब बंदे अल्लाह का अल्लाह के आखिरी रसूल आखिरी नबी सबसे महबूब बंदे प्यारे नबी सल्हस से हमें मोहब्बत होनी चाहिए और ये मोहब्बत अल्लाह की वजह से तो ये पहला बुनियादी ये सबब है मोिनों के बारे में अल्लाह ने शुर बकर में कहा वलीना आमन अशद दोहबल्ला जो लोग ईमान लाए अहल ईमान अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते तो इस मोहब्बत का ये तकादा है कि हम प्यारे नबी वसल्लम से जो है मोहब्बत करें और जो चीज़ भी अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं उसे हम मोहब्बत करें शेख उम इबन तयमिया रहमत आ सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अहिल ईमान जिस क़दर अल्लाह से महब्बत रखते हैं इतनी ज़्यादा कामिल और मोहब्बत कोई किसी मखलू से नहीं करता और ना ही अल्लाह ताला के अलावा कायन में कोई ऐसा है कि हर अतबार से उसकी ज़ाती खूबियों की वजह से उससे मोहब्बत की जाए और अल्लाह के अलावा आगे कहते हैं जिससे भी मोहब्बत की जाए उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम से महबत अल्लाह ही के लिए की जाए अल्लाह ही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाएगी और अल्लाह ही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाएगी फ़रमाती जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुलन तुम तो हिब्बुन फ़त्तब्यूनी कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो उसका लाजमी नतीजा ये है मेरी इत्तबा करो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा तो ये जो है पहला बुनियादी जो है सबब है दूसरा अहम सबब जिसकी तरफ ा ने तवज्जो दिलाई है वो ये हैं कि चूँकि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने जो है पूरे दोआलम के लिए सारे जहां के लिए अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत अपनी नबूत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और अल्लाह ताला से मोहब्बत का तफादा है कि उसके महबूब से मोहब्बत की जाए ये बात देखिए हम जानते हैं किसी दलील की मोहताज नहीं दोस्त का दोस्त दोस्त होता है दोस्त का दोस्त जो है दोस्त होता है और फितरी ये तकाजा है एक मुशाहदे की बात है हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में जब इंसान किसी शख्स से जो है मोहब्बत करता है तो उसके दोस्त से भी उसको मोहब्बत होती है उसके मुतालिकीन, मिन जुमला जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं उनसे भी वो मोहब्बत करता है तो रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का लाजमी ये है कि आपके महबूब बंदे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करें अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुल कुलन कन तुम तो हिब्बन तब्लासायत करीमा में अल्लाह ताला से जो है मोहब्बत का लाजमी तखादा ये करार दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए आपका इत्तबा किया जाए आपकी पैरवी की जाए और इस इताअत का लाजमी तखादा क्या है वो ये हैं कि ये इताअत मोहब्बत के साथ की जाए मोहब्बत के बगैर इतात का कोई त नहीं और इतात के बगैर मोहब्बत का कोई तसवूर नहीं है जिससे मोहब्बत होती उसी की इतात व फरमाबरदारी इंसान करता है चूँकि अल्लाह से हमें मोहब्बत होनी चाहिए तो इसका लाजमी यह है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और उसका अहम तफादा ये है कि अल्लाह के नबी सा की इतात की जाए आपकी पैरवी की जाए और अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया है सुर मरियम में इदीन आमन वामी सैद् अलहमर उद्दा अल्लाह ने कहा बेशक जो लोग ईमान लाए जिन्होंने अमल किए उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर अल्लाह अहल ईमान अमूमी तौर से अल्लाह ने कहा जो भी ईमान लाएंगे और जो अच्छा काम करेंगे वो काम जो रब को पसंद हैं अल्लाह ताल ने फ़रमाया कि अल्लाह ताली उनके लिए मोहब्बत दिलों में पैदा करेगा और चूँकि प्यारे नबी सल्लम आपकी शख्सियत आपकी दात और मुबारक आपकी हस्ती जो है मुबारक हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी जहां की हिदायत के लिए तमाम के ईमान लाने का ज़रिया प्यारे नबी सा को बनाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने मोहब्बत जो है पैदा कर दिया है हर एक के दिल में हती के दोस्त दोस्त अहल ईमान तो अहल ईमान कुफ़ार कुफ़ार मक्का भी अल्लाह के नबी सा को चाहते थे दिल से इकरार करते थे एतराफ़ करते थे कि मोहम्मद जो है झूठे नहीं सल्लल्लाहु वसल्लम ये नेक इंसान है ये सदिख़ अमीन हैं दिल से अल्लाह के नबी सा को चाहते थे आपका अहतराम करते थे आपकी इज़्ज़त करते थे वला किन्न भी आयातल यह लेकिन उन्होंने दुश्मनी की आपके मैसेज से आपके मिशन से आपके पैगाम से दुश्मनी की अल्लाह ताली ने कहा कि ालिम तो अल्ला की आयतों को छुटलाते हैं अल्लाह के नबी सा से दुश्मनों ने मोहब्बत की और आज भी गैर मुस्लिम ईसाई हों यहूदी हों क्रिश्चन हो या कोई और हिंदू धर्म के जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास इंसाफ़ हैं मुनसिफ़ हैं वो भी आज इकरार करते हैं बल्कि लोगों ने इकरार किया प्यारे नबीसम इसी मोहब्बत के तखादे की बुनियाद पर इंसान होने के नाते लोगों ने जो है अल्लाह के नबीम की ज़ास से मोहब्बत की है गर से आपके मिशन से मोहब्बत नहीं की माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी द हंड्रेड के नाम से सौ लोगों दुनिया के अदीम सौ लोगों के बारे में उसने जब जिक्र किया लिखना शुरू किया पहला नंबर प्यारे नबी सल्हसम को उसने दिया तो ये गवाही जो है हमारे लिए कोई माना नहीं रखती लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दलील ये हैं प्यार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत को हर एक हर एक के दिल में जो है जो भी अल्लाह के नबी के बारे में सुनेगा आपके अच्छे सिफ़ात आपके अखलाक आपकी खूबियाँ और आपकी अजीम अज़ीमर्बानियाँ पूरी इंसानियत के लिए क़ियात तक आने वालों के लिए जो कुरबानियाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं हर एक जो है बग़ैर अतराफ़ के नहीं रहेगा हर एक एतराफ़ करने पर मजबूर होगा कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम एक अदीम इंसान थे एक अदीम इंसान थे कि आप जैसा ना आपसे पहले पैदा हुआ ना नियामत तक जो है पैदा होगा और मशहूर हदीस सही बुखारी की सही मुस्लिम की अबू हरेरा रदी तन से जो मरवी हैं जिसमें यह बयान किया गया उसका ख़ुलासा में चूँकि वक्त मुख्तर हैं खुलासा बता कि अब आगे बढ़ो अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं जबरी को बुलाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है तुम भी मोहब्बत करो और तमाम अहले आसमान अहल, अहल ज़मीन में इस बात का ऐलान कर दो तो ये इस बात का ऐलान कर दिया जाता है तमाम के दिलों में उस बंदे की महब्बत डाली जाती है अल्लाह अखबार तो यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्लम चूँकि अल्लाह से अल्लाह के महबूब बंदे हैं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसके बहुत सारे दलाइल जो है क़ुरान में अदीस में जो है बयान किए गए मस्कूर हैं तो आइए चंद दलाइल का जिक्र करते हुए मैं अपने अहम मौजू पर आता हूँ उनबाब पर पहली दलील देखिए अल्लाह ताली प्यारे नबी सा से मोहब्बत करता है इसकी पहली दलील रिसालत और नबूत के लिए एक अदीम मनसब एक अदीम मकाम इस मकाम के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्लाम का इंतखब किया आपको चुन लिया अल्लाह यस्तफी मिनल मिकति रसुल वमिननास इन अल्लाह उम बसर सुर हज आयत नंबर सेवेंटी फ़ाइव में अल्लाह ने कहा फ़रिश्तों में से इंसानों में से पैगाम पहुँचाने वालों को अल्लाह तंतखब कर लेता है बेशक अल्लाह ताली सुनने वाला देखने वाला है ये सेलेक्टेड लोग अल्लाह की तरफ़ से होते हैं रिसालत नबूत के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और आपको जो है आखिरी नबी आखिरी रसूल बनाया हदीस में अल्लाह के नबी सास ने उसकी मिसाल दी सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत में उस बुनियाद से दी उस घर से दी जिसको तामीर किया गया अच्छे बेहतरीन अंदाज़ में उसको बनाया गया हर चीज़ उसकी जगह रखी गई लोग आते हैं देखते हैं उसकी खूबसूरती पर तजुब का इजहार करते हैं सिवाय एक ईंट के एक ऊंट की जगह छोड़ दी गई अल्लाह के नबी साहब ने कहा मेरी मिसाल जो है उस ऊंट के ने कि मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने उस बेहतरीन घर को मुकम्मल किया अल्लाह ताला ने यह मिसाल अल्लाह के नबी सा ने दी कहाँ मैं ही वो ऊँट हूँ और मैं ख़ातमन नबी नबीन हूँ नबीन हूँ नबी के सिलसिले को मुझ पर ख़त्म किया गया सुर आहदाब में भी अल्लाह ती ने इस बात का जिक्र किया इस बात की दूसरी दलील के अल्लाह ताल प्यारे नबी सल्ह वसम से मुहबत करता है इस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह ताला ने जो है प्यारे नबी वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम अदीम लासानी किताब सबसे आसान किताब अदीम किताब अजमत वाली किताब कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने प्यारे नबी वसल्लम पर उतारा क्योंकि हम जानते हैं जिस शख़्स को जिससे मोहब्बत होती है वो उसको अदीम तोहफा हदिया देता है तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अपने प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन जो तोहफ़ा दिया हदिया दिया कुरान मजीद की शक्ल में बेहतरीन कलाम बेहतरीन कलाम जिसको अहल ईमान तो क्या ग़ैर मुसलमान भी अगर सुने उनके दिल में रब का कलाम उतर जाए हिदायत लाएंगे हिदायत पर आ जाएंगे लोग अगर रब के कलाम को सुने समझें उस पर अमल करें और जो तके हैं उस पर अमल करेंगे सबको हिदायत नसीब होगी इस सिलसिले में जो है बहुत सारी बातें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया इस बात के काफ़ी दलाइल कुरान में अहादी में मौजूद हैं अल्लाह ताला ने जो बड़े एहसानात किए और कुरान में सूरह बकरा और सूरह बकरा जैसे अजीम सूरत उससे पहले सुर, पहली सूरह सूरह फातिहा जैसी सबुल मसानी सबुलमसानी अजीम उसको कहा गया आयतुल कुर्सी जैसी अजीम आयत तो कुरान की सूरह बकरा जैसी अजीम आयतें क्या ऐसी आयतें ये अर्श के ख़जाने अर्श के जिसको ख़जाने अर्श के नीचे के ख़जानेरार दिया गया आपसे पहले किसी नबी को ना दिया गया और ना आपके बाद कोई नबी आने वाला है जिसको दिया जाए इसी तरह एक तीसरी अहम दलील कि अल्लाह ताला प्यारे नबी सलीस से मोहब्बत करता है अल्लाह ताली के आप महबूब बन हैं अल्लाह ताली उसके मुकर फ़रिश्ते जल्लाह के अल्लाह के नबी सलीस पर दरूद भेजते हैं

कि जो उम्मती प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पड़ेगा उस पर दस रहमत अल्लाह नाजिल फ़रमाएगा अल्ला अकबर इसी तरह दूसरे रिवायतों में दस दर्जे उसके बुलंद होंगे दस गुनाह उसके माफ़ होंगे चौथी दलील इस बात की कि अल्लाह ताला प्यार नबी सलीसम से जो है मोहब्बत करता है कि देखिए अल्लाह ताल ने प्यारे नबी वम को बेशुमार फीलतों से मालामाल फरमाया अल्लाह के नबी सा आसम का ऊँचा मक़ाम अल्लाह ताला ने नेता किया और बहुत सारे फ़दायल और मनाक़ कुरानी आयत में अहादीस में हमें मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े एहसाना किए पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूस फदल फरमाया अल्लाह के नबी सा को अपनी रिसालत और नबूत के लिए चुन लेने के अलावा आपके लिए बेहतरीन नसब का इंतबाव अल्लाह ताली ने फरमाया और इसी तरह बहुत सारे खूबियाँ फ़जीलतें आपको दी गईं एक मशहूर रिवायत जाबिर मन अब्दुल्ला रौदी अल्लाह तौन से जो मरवी है सही बुखारी सही मुस्लिम जिस में जिसमें पाँच चीजों का ज़िक्र किया गया कि पाँच चीज़ें मुझे अता की गईं मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं उसमें जो है कई बातों का पाँच चीज़ों का जिक्र है नसीर तो बेबी मसीरा शाहरीन एक महीने की मसाफत से मुझे डर और ख़ौफ़ के जरिए मेरी मदद की गई दुश्मन एक महीने की मसाफत पर अल्लाह के नबी सा से डरता था वजूलद मस्जिदों वहरा के मस्जिद मेरे लिए पाक बना दी गई जिस किसी को जो है अल्लाह के नबी सास ने कहा नमाज का वक्त हो जाए नमाज का वक्त आ जाए फल वो नमाज़ पढ़े तह तो मस्जिदों व तहोरा से मुराद जो है मिट्टी पाक बनाई गई तैम करके इंसान अगर पानी ना मिले तैम करके इंसान नमाज पढ़ लें और अल्लाह के नबी सा ने कहा मेरे लिए गनीमत हलाल की गई आप से पहले जो अम्बी आए उनके लिए गनीमत का माल हलाल नहीं था जायज़ नहीं था आपके लिए आपकी उम्मत के लिए गनीमत का माल अल्लाह ने हलाल दिया और आपको शफात दी गई शफात जैसा मकाम आखिरत में अल्लाह के नबी सासम तमाम अर्द महशर में मौजूद तमाम लोगों के लिए अल्लाह के नबी सफ़ारिश करेंगे ख़ास तौर तो से आपकी उम्मत के हक़ में इसी तरह अल्लाह के नबी सा से पहले जितने हम आए किसी ख़ास कबीले के लिए जमात के लिए किसी गांव शहर कंट्री के लिए आए और अल्लाह के नबी सा तमाम जहानों के लिए आपको रसूल नबी बनाया इसी तरह अल्लाह के नबी सा को अल्लाह ताली ने रहमत आलमीन बनाया और अल्लाह के नबी सा और बहुत सारे फ़जाइल आपके हैं मनाब हैं अना सैद उल्द आदम यूम़ियामा अल्लाह के नबी सा आसमिन काियामत के दिन में अवलाद आलम आदम का जो है सरदार रहूँगा औलाद आदम का मैं सरदार रहूँगा और मैं वो पहला शख़्स होंगा कहाँ मेरी ख़बर सबसे पहले फटेगी और अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबसे पहले सिफ़ारिश करने वाला और मैं वो खुश नसीब जिसकी सबसे पहले सिफ़ारिश अल्लाह कबूल फरमाएगा उसके अलावा अल्लाह के नबी साम जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाले और आपके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा इसके अलावा बहुत सारे आपके फ़ज़ाइल हैं इस बात की दलील हैं अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है इसीलिए बेशुमार फ़दायल अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाए बहुत सारी खसूसियात हैं मेरे पास उतना वक्त नहीं है मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस बात की और एक दलील कि अल्लाह ताला प्यारे नबी वसल्लम से मोहब्बत करता है कि देखिए अल्लाह ताली ने प्यारे नबी को अपना खलील बनाया एक है दर्जा मोहब्बत का और एक दर्जा है कलत का मोहब्बत अल्लाह ताला हर मोमिन बंदे से करता है लेकिन खलत क्लत का मक़ाम मोहब्बत से ऊंचा है कलत का मक़ाम मोहब्बत से ऊंचा है और ये मक़ाम सिर्फ दो बंदों को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया पहले हैं अबू अंबिया अलैहि सलाम जब भी इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम आता हम सुनते हैं इब्राहिम इब्राहीम अल्लाह ने अपना खलील बनाया अपना जिगरी दोस्त अपना ख़ास दोस्त अल्लाह ने ये ख़ास मक़ाम है मोहब्बत से ऊंचा मक़ाम और ये मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया सूरह निसा एक आयत नंबर 125 में अल्लाह ने कहा वत्तखद अल्लाहु इब्राहिम खलीला और अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने जो है अपने बारे में कहा فإن الله تعالى قد اتخذ اتخذني خليلا كما اتخذ ये सही मुस्लिम की रिवायत और अल्लाह के नबी ससम ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा थान तो मतदा खलीलन लतख तो अबा बकर खलीला कहा अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता अपना ख़ास दोस्त तो अबू बकर को बनाता लेकिन आपने कहा वाल आख़ी वसा है वो मेरे दीनी भाई हैं मेरे सहाबी हैं मेरे साथी हैं और कहा अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बनाया है और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार अल्लाह ताला ने जो हैं आपको खसूसियात अल्लाह ने नेता फरमाई थी बहुत सारी इसमें बातें हैं बहुत सारे दलाइल हैं आगे हम बढ़ते हैं उन उनबाब की तरफ कि हम अल्लाह के नबी नबीसम से मोहब्बत किन इस्बाब की बुनियाद पर करें दो इस्बाब का मैंने ज़िक्र किया तीसरा अहम सबब ये हैं कि देखिए अल्लाह के नबी नबीसम अपनी उम्मत पर बड़े रफीक़ बड़े शफीक बड़े रहीम थे इस बुनियाद पर ईमानी तफादा है कि हम प्यारे नबी स सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह के नबी सा के बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने गवाही दी सुर तोबा की आखिरी आयतों में से एक आयत आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला ने कहा लखद लखदम रसूल उमिनफ़ुसी गुम अजईन अलमा अन तुम हरी सुन कुम बिल्मी रऊफ़ुरहीम एलो गुम तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं कहाँ तुम्हारी ही जिन से हैं वो तुम्हारे ही जिन से हैं रसूल जिसको तुम्हारी मदरत नुकसान की बात नहायत गिरँ गुज़रती हैं उम्मत को कुछ भी तकलीफ़ पहुँचे कुछ भी नुकसान हो अल्लाह के नबी को पसंद नहीं बर्दाश्त नहीं जो तुम्हारी मनफात का बड़ा ख्वाहिशमंद है उम्मत को नफ़ा मिले अजर ववाब मिले उम्मत खुश रहें कामयाबी मिले दुनिया उखरवी दुनियावी उखरवी फ़वाद हासिल हों इसके बड़े हरीस अल्लाह के नबी सा बड़े ख्वाहिशमंद और कहामानदारों के साथ बड़ा ही मेहरबान शफीक है अल्लाह बड़े रहीम बड़े महरबान और इसी तरह लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की ज़ात कैसी थी बड़े हरीस थे इस बात पर कि लोग ईमान ला लें हिदायत पर आ जाएँ अगर ना लाएँ शिदत परेशानी का नक्शा देखिए अल्लाह के नबी का क्या था अल्लाह ने शुरे कहफ आयत नंबर छः में कहा फला का बा अम्ल मिनो बिहादीस असफ़ा अल्लाह ने कहा अगर ये लोग इस क़ुरान पर ईमान ना लाएं ऐसे लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे अल्लाह अकबर इतनी फ़िक्र थी उम्मत की हिदायत की हरी़ थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर शख्स मुसलमान हो जाएँ अबू लहब इस्लाम ला लाल अबू जहल इस्लाम ला लाल और दीगर जो भी कुफ़ार थे क़िया तक आने वाले अल्लाह के नबी सा की ये फ़िक्र थी कि तमाम लोग हिदायत पर आ जाएँ तमाम लोग अल्लाह की बनाई हुई बेहतरीन जन्नत को पालें हिदायत पर किसी तरह आ जाएं, उनके दिलों में ये बात बैठ जाए इसकी फ़िक्र हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सताती थी अल्लाह अकबर। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल दीमा कमसली रजुल कहाँ मेरी मिसाल लोगों की मिसाल अल्लाह के नबीसम ने दी कि उस शख्स की मिसाल जो आग लगाएं और जब रोशनी फैल जाए उसके अतराफ में जो है पतंगे उड़ना शुरू कर दें उसके करीब आना शुरू कर दें अल्लाह के नबी सा कहते हैं कि वो शक जो है उनको हटाता है दूर करता है ताकि परिंदे पतंगे जो है उसमें ना गिरे आग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो परिंदे जो है उसके कंट्रोल के बाहर आते हैं और गिरना शुरू करते हैं अल्लाह के नबी साहब अपनी मिसाल दी मेरी मिसाल भी ऐसी है आपने कहा अना जजिको हे लोगों सुन लो मैं तुम्हारी कमर पकड़ कर खींच रहा हूँ जहन्नम से बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा मामला ये है मैं कह रहा हूँ हलुनारानार हे लोगों आँख से दूर हो जाओ तुम आग में गिर रहे हो तुम आग के करीब हो कहते हैं फतग कि तुम मुझ पर गालिब आ रहे हो फिमोना फी हा और तुम उसमें गिर पड़ रहे हो कूद रहे हो अल्लाह अकबर इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र अपने आप के अलावा पूरी उम्मत को बचाने की फिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप कितने मेहरबान थे कितने रहीम थे बेशुमार मिसालें हैं अहादीस में अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए मिसवाक आपको पसंद था मिसवाक करना अल्लाह की सुन अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से हहमे मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक तो दे आमीन अमल एक किरदार पेश करने के अल्ला की अल्लामल की शादत न सि फरमाए अल्लाह के नबी ने ख्वाहिश जाहिर की लोला नशक्ला उम्मती ला अमर तुम बसवाक इंदा खुल सला अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक्क़त में डाल दूँ अल्लाह अखबार आपने कहा हर नमाज के वक्त मसवाक का मैं हुक्म देता दूसरे रिवायत में इंद खुल वन दिन और रात में जब भी वज़ू करे उम्मत अल्लाह के नबी ने चाहा कि उनको वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म दें लेकिन आपको खदशा हुआ मेरी उम्मत मशक्कत में पड़ जाएगी परेशान हो जाएगी आसानी के लिए इतने शफीक थे मेहरबान थे अल्लाह के नबी सा ने हुम नहीं दिए और इसी तरह अल्लाह के नबी सा नमाज़ पढ़ाते थे अगर बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती प्यारे नबी सास नमाज़ हल्की कर देते मुख्तसर आयतें पढ़ सूरतें पढ़ जो है नमाज़ ख़त्म कर देते अल्लाह अकबर इतने मेहरबान ताकि अल्लाह के नबी ने कहा उस बच्चे की माँ को तकलीफ़ ना हो अल्लाह अकबर इसी तरह अल्लाह के नबी वसल्लम ने तरावे की नमाज साहबा को जमात से पढ़ाई तीन रातें आप सा जमात के साथ पढ़ाई आखिर में यादा तो जब अल्लाह को बहुत पसंद आई अल्लाह के नबी सा इस डर से आपने छोड़ दिया वाह नमाज कहा खसी तुंतु फ्रद इसलिए जमात से पढ़ाना आपने छोड़ दिया कहीं ऐसा ना हो कि नमाज आप पर वाजिब हो जाए उम्मत पर जो है आपकी उम्मत पर वाजिब हो जाए फ़र्ज करार दी जाए इस डर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज तरावी की नमाज जवा जमात पढ़ाना आपने छोड़ दिया और आपको कितनी फ़िक्र थी उम्मत के कितने हरीस थे हिदायत के लिए उनकी नजात के लिए जहन्नम से नजात के लिए प्यारे नबी साम पूरी रात आपने ख़याम किया और एक ही आयत करीमा सरेमादा की आखिरी आयतों में से इन तो ईसा सलाम की दुआ इन तो फ़ैन इबादुक फैन तहुम फैन कांत अजीज़ुलहकम है अगर तू इन्हें सजा दे ये तेरे ही बंदे अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात जहन्नम में जो भी जाएंगे इबलीस हो उसके जो भी हैं पैरोक सब अल्लाह के बन्दे कहाँ इंतवादिब हम अगर तो इनको अजाब दे ये तेरे ही बंदे हैं अपनी उम्मत की फ़िक्र में कहाँ अगर अल्लाह तू इन्हें अजाब देगा तेरे ही बंदे हैं महर तू मेहरबान है तो रहीम है इनको माफ़ फरमा इनको नजात दे दे वन तो फिर लहम अगर तू इन्हें माफ़ करेगा यकीन तो अजीज़ है तो हकीम है तो गालिब है हर एक पर तो हिकमत वाला है तो जानता है किसको जन्नत में डाले तो जानता है कौन जहन्नम का मुस्तक है कौन ख़बर के आदाब का हकदार हैं दुनिया की मुसीबतों परेशानियों का और जो भी अजाबात की शक्ल में जो अल्लाह के अजाब आते हैं सदा की शक्ल में अल्लाह ही हकीम है अल्लाह जानता है किसको सज़ा मिलनी चाहिए कब मिलनी चाहिए कितनी मिलनी चाहिए उसी की तरह इशारा किया गया इसके अलावा आप जो है इन आयतों को पढ़ते रहें अम्म ही उम्म ही कहते रहें उम्मत की इतनी फ़िक्र थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ने आपको जो भेजा ऐसे नहीं भेजा बल्कि उमा का और सहमत आलमीन सूरह अंबिया की आखिरी आयतों में से आयत नंबर एक सौ सात कहा आपको हमने दोनों जहाँ के लिए रहमत आप हर एक के लिए मेहरबान रहमदिल इंसान थे आपकी रहमत हर एक के लिए इन सो जिन के लिए चरिन परिन हर एक के लिए थी अल्लाह के नबी सा हर हरेक के लिए मेहरबान थे अल्लाह अकबर क्योंकि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा मेहरबान अल्लाह से बेहतर कोई महरबान नहीं तो प्यारे नबी सा को ये मक़ाम अल्लाह ने दिया इस बुनियाद पर इस सब्ब से जो है हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए इसी तरह चौथा अहम सबब जो ने ज़िक्र किया इल्म ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अपनी पूरी उम्मत के लिए ख़ैर खा और एहसान करने वाले थे उम्मत पर बड़े महसिन थे खैर खाही अगर किसी ने की है तो प्यारे नबी सल्ल व अल्लाह के नबी साहब ने जहाँ इस बात का जिक्र किया दीन और हाँ सही मुस्लिम की रिवायत अबू तमीम तमीमदारी अब रु़ैया तमीमदारी रजील्ल्लों से जो मरवी हैं और हाँ अल्लाह के नबी साहब ने कहा दीन खैर खाई का नाम और इस पर आपने अमल करके बताया मुकम्मल खैर खाई की अपनी और अपने साथ उठने बैठने वालों की और पूरी उम्म की खैर खाई पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक फितरी चीज़ हम जानते हैं इंसान अगर कोई शक किसी पर एहसान करता है ज़िंदगी भर उसको याद करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने एहसानात अल्लाह के एहसानात सबसे पहले हम पर हैं और अल्लाह के नबी सा आसम को भेज कर अल्लाह ने जो बड़े एहसानात किए और अल्लाह के नबी को भेजना एक बड़ा एहसान है अल्लाह का अल्ला रब्लमिन लमंदमीना इस बार सफीम रसूल अमिन अनफहीतलि आयाती हैं

मुर्दार को खाना खाने वाले अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर करने अपनी बच्चियों को अल्लाह अकबर हर किस्म की बुराई थी अल्लाह के नबी सा को भेज कर अल्लाह ने बड़े एहसानात किए रब की मारिफत करवाई रब के घर की सही मारिफत करवाई इन बुतों की क्या हैसियत है अल्लाह ने बता दिया और अल्लाह का क्या मकाम है अल्लाह की वहदानियत उसकी रुबियत उसकी उलोहियत, उसके असमव सिफ़ात का ऐलान और मैसेज प्यारे नबी सा के ज़रिए दुनिया वालों को अल्लाह ने दिया और अल्लाह के नबीम ने उन्हीं में से अल्लाह ने चुनकर अल्लाह के नबी सा को जो कमालत जो फ़जाइल जो मनाकब और जो बड़े एहसान अल्लाह ने उम्मत पर किए उसका जिक्र अल्लाह ने किया है मेरे पास उतना वक्त नहीं है तो अल्लाह के नबी सा बड़े मेहरबान बड़े खैर खा थे अल्लाह के नबी सा आसन मकम्मल की खैर खाई की अल्लाह की अमानत आल्ला का पैगाम अल्लाह का मैसेज बेहतरीन तरीक़े से अल्लाह के नबी सास उम्मत तक पहुँचाया उसके लिए कुरबानियाँ दी अपना खून पसीना बहाया अपना वक्त सर्फ किया दंदा ने मुबारक आपके शहीद कर दिए गए तइफ वालों ने आपको खून से लोलहान किया बहुत सारी कुरबानियाँ आपने दी आपके चहीतों को आपके महबूब दोस्तों को आपके रिश्तेदारों को मारा गया सताया गया अल्लाह के नबी को मक्के से निकाला गया फिर भी आपने उम्मत की खैर खाई की कभी आपने नहीं चाहा कि अबू जहल इस्लाम ना लाए कभी आपने किसी से दुश्मनी नहीं की की अगर तो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए दुश्मनी की किसी पर हाथ नहीं उठाया किसी से इंतकाम नहीं लिया बल्कि मुकम्मल खैर खाई के एहसानात किया दुश्मनों को माफ़ किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े एहसानात की उम्मत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का जो कलाम था रब का जो पैगाम था हर तरीक़े से उस पर अमल किया अल्लाह तक पहुँचाया अल्लाह के जरिए जो है अल्लाह के ज़रिए जो भी वही नाजिल हुई जो शरीयत जो तालीमात मुकम्मल तौर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उम्मत तक पहुँचाया उम्मत को बताया मुकम्मल ख़ैर खाई प्यारे नबी साहब ने दी दिन में रात में जहाँ इनफ़रादी दावत का काम आपने किया इज्तमी दावत का काम किया लोग जहाँ भी जमा होते थे वहाँ इकट्ठा जहाँ इकट्ठा होते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रब का पैगाम पहुंचाया मुकम्मल खैर खाई की मुकम्मल जो है खैर खाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और जो बड़े एहसानात जिसका मैं जिक्र कर रहा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहरबान बड़े जो हैं एहसान करने वाले उम्मुल उमुल मुमिन आय सरौदी तौा फ़रमाती हैं जो बात मैं जिक्र कर रहा था आपने कहा मन तखम रसूल रसोलसम नब से ही कि अल्लाह के नबी सासम ने अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया किसी खादिमा पर हाथ नहीं उठाया किसी खादिम पर हाथ नहीं उठाया अल्लाह के नबी सासम किसी को नहीं मारा हाँ ये किसी पर आपने जुल्म नहीं किया जुल्म का बदला नहीं लिया ताइफ वालों ने जुल्म किया आपके हाथ उठे दुआ के लिए कबिल दोस्त जिसने नाफ़रमानी की अल्लाह उसके रसूल की वहाँ भी आपने हाथ उठाया सब ने समझ लिया कि आप बदा करेंगे आपने दुआ की अल्लाह महदी दोनवाति बिहम अल्लाह कबीले दो को हिदायत दे और उनको जो है मेरे पास लेकर आ ऐसे अल्लाह के नबी सा ने एहसान किया माफ़ किया लोगों को फतः मक् के मौके पर हम जानते हैं कई दुश्मनों का आपने बहुत सारे वाक़ हम जानते हैं तफसील में जाने कि मेरे पास उतनी गुंजाइश नहीं है उतना वक्त नहीं है तो देखिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने हर एक को माफ़ किया फ़तेह मक्का के मौके पर चाहते थे तो एक एक से जो है बदला ले सकते थे आपने बड़ा एहसान किया बड़े महसिन थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसनी इंसानियत थी अल्लाह के नबी वसल्लम इसी तरह पाँचवा अहम सबब मैं ज़िक्र करके अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ देखिए अल्लाह के नबी वसल्लम हर कस्म की ज़ाहरी बाथनी जो है खूबियों का आप मजमु थे अल्लाह ताला ने आपके रग रग में अल्लाह की तात अल्लाह की फर्माबर्दारी अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की तालीमास से मोहब्बत, अल्लाह ने भर दी थी जाहिर आपका और बातिन दोनों एक थे अल्लाह के दिल अल्लाह के नबी सा दिल बिल्कुल हर क़सम के हसद कीना कपट दुश्मनी हर आय से पाक था आपका ज़ाहिर भी पाक था बहुत सारी खूबियों का अल्लाह के नबी सा आसन ज मजमू थे ये फ़ितरी चीज़ हम जानते हैं इंसान सबसे ज़्यादा उसके साथ मैलान उसका उसकी तरफ होता है जो इंसान बहुत सारी ख़ूबियों का मजमू हो जिसके बेहतरीन अखलाक हों जिसका किरदार अच्छा हो जिसके गुफ्तार अच्छे हों जिसका ज़ाहिर अच्छा हो जिसका बातिन अच्छा हो तो इंसान चाहता है कि उसके साथ मिले बार बार उससे मुलाकात हो उसके साथ बैठें उठें यही ख्वाहिश थी सहाबा की यही ख्वाहिश थी अल्लाह के नबीम से हमेशा और मिलने वाले तो बहुत थे एक लम्हा अल्लाह के नबी नबीसम से मिलने वाले की ख्वाश भी होती कि बार बार, बार अल्लाह के नबी सा से मिलें आज दुनिया वालों का मामला हम और आप का मामला ये है कि इंसान हमसे मिलना नहीं चाहता एक बार मिल लेता है तो नज़रिया बदल जाता है लेकिन प्यारे नबी वम कोई सुनता भी आपके बारे में ख्वाहिश जाहिर करता कि आपसे ज़रूर मुलाकात एक बार तो चाहता कि हज़ार बार आपसे मुलाकात हो बार बार ये मौका मिले तो प्यारे नबी वम का ज़ाहिर और बातिन बड़ी खूबियों से जो है भरा हुआ था अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियाँ अता फरमाई थी आप में आपका जाहिर भी अच्छा खूबसूरत था आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे आपके अच्छे अखलाक थे हसन बिन साबित रदील ने आपके बारे में कहा व अजमल मिन का लम तरा ख़त आइनी अहसन वा मिन का लम तरी दिन खुलख्ता मुबर्र बिन कुल एबिन का अन्ना का ख़ुलखता कमा तशाओ कहा कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँखों ने कभी किसी को नहीं देखा और आपसे बेहतर और हसीम औरतों ने जना ही नहीं किसी को नहीं जना और कहा आप हर कस्म के ऐब से पाक पैदा किए गए ऐसे लगता गोया आप जैसे चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसे बनाया अल्लाह अखबर बेहतरीन जो है अशार है आपकी तारीफ़ में अल्लाह के नबी सा आसम के ज़ाहरी जो ख़ूबसूरती अल्लाह के नबी से को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी और बाथिनी अखलाक का जो अल्लाह के नबी बाथनी अखलाक बेहतरीन अखलाक अखलाक हसना का जो पैकर थे उसने यूसुफ दम ईसा यद बेदारी आँच आँच खूबाँ हम दारन तो तनहा दारी इसमें भी जो है शायर ने अल्लाह के नबी सल्हसम की जो है जो ख़ूबियाँ जमा थी आप में उन तमाम ख़ूबियों को जो है समो दिया और बहुत सारे जो हैं बहुत सारे अशार हैं ने अरबी में उर्दू में बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन बल्कि हर जबान में शरा ने जो है बहुत बेहतरीन अशार कहें अल्लाह के नबी सा आसम की खूबियों का ज़िक्र किया है इसी तरह अल्लाह के नबी सल्हसम चंद ख़ूबियों का मैं जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ बहादुरी में देखिए अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान थे बराबि नादी रदी अल्लाह तुम की जो रिवायत मरवी हैं सही मुस्लिम में उसमें कहते कन्ना उल्लादा अहमर अन्नास हदा अहमर अलबास नकी बिही वन्ना शुजा मुन्ना लल्लदी युहादे ब यानी नबी सलीसम कहते हैं, हमें अल्लाह की कसम अगर लड़ाई खून रेजी होती हम लोग प्यारे नबी सा के आड़ लेते आपके सहारे आपके पीछे आकर जो है आपको आपका सहारा लेकर लड़ते साहबा कहते हमें सबसे ज़्यादा बहादुर अल्लाह के नबीसम थे इसी तरह अनस बिन नारी करते अल्लाह की जो रिवायत मरवी सही मुस्लिम में एक मरतबा मदीनी वाले घबरा गए थे दुश्मन ने हमला किया था अकेले प्यारे नबीसम ने एक सहाबी जिनके घोड़े पर आप सवार हुए और अल्लाह के तन तन अल्लाह के नबी सा दुश्मनों का पीछा किया और उनको भगा दिया अल्लाह पर इस तरह बेशुमार मिसालें हैं के नबी सा की ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा शुजा थे बहादुर इंसान थे और सखावत मशहूर है प्यारे नबी साम की जब भी कोई सवाल करता आप महरूम नहीं करते उसको और आपकी सखावत के बारे में अब्दुल्लाबिन अब्बासरतील् ने क्या कहा आप हर वक्त सखी थे साल भर आप खर्च करते अल्लाह के रास्ते में रमज़ान आता तो आप तेज़ोत्न हवा से भी ज़्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती अल्लाह अकबर इस तरह बेशुमार जो है मिसालें हैं आपकी सखाव की इसी तरह आपके अखलाक का क्या कहना अल्लाह तुद गवाही दी व इन्ना खला नदीम कि आप अखलाक के आला मैार पर फ़ायज़ हैं अल्लाह अखबर और ख़ुद अल्लाह ताला ने ये गवाही भी दी अगर अल्लाह के नबी सासम बद अखलाक होते आप बज़बान होते सख्त दिल होते अल्लाह कहा चूँकि आप नरम दिल हैं अल्लाह ने कहा फ़बीमा राम तुम वलोकन तदनबी फर्द कहाँ बस जुबान होते सख्त दिल होते लोग आपके पास से छट जाते कोई आपके साथ नहीं बढ़ता अल्लाह ने गवाही दी आप नरम इंसान हैं ये रहमत ये शफक़त का माँ अल्लाह के लिए आप करते हैं इसलिए लोग आपसे जुड़ते हैं आपके करीब आते हैं और अल्लाह के नबीम सबसे बेहतरीन इंसान थे बड़ी खूबियाँ थी इस सिलसिले में बड़े बेशुमार जो है अहादीस हैं मेरे पास वक्त नहीं अखलाक पर अगर गुफ्त करें एक लम्बा मौजू है इन्हीं बातों पर जो है अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ अल्लाह से दुआ हैं रबल हम तमाम को सही मानों में अल्लाह तला से सच्ची मोहब्बत करने की तोफ़दा फ़रमाएँ प्यारे नबीसम से सच्ची मोहब्बत के जो तखादे हैं अमली जफादे ख़ास तौर से आज ज़रूरत इस बात की हैं हम अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करें और मोहब्बत हमें क्यों होनी आपकी से होनी चाहिए आपके मिशन से भी मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत के क्या इसबाब हैं आज के दरस में जो है मैंने जिक्र किया इसके अलावा महब्बत के तल्ल से और बहुत सारे मौजुआत हैं महबत के क्या हमें दुनियावी उवी फ़वाद वमरात हासिल होंगे इसी तरह मोहब्बत में इजाफ़ा कैसे होगा उसके क्या इसबाब हैं इसी तरह मोहब्बत से जुड़े हुए बहुत सारे मौजूद हैं फिर मौका मिला तो उसको बयान करने की कोशिश की जाएगी दुआ है रब्बालमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो भी बातें हमने सुनी हैं अमल की तोफ़ी अदा फरमाएं अच्छे अखलाक और किरदार को अपनाने की सादत ला नसी फ़रमाए बद अखलाक़ी से और जो भी ग़लत सुस्ती काहिली हमसे होती हैं अल्लाह उससे हमें महफूज फ़रमाएँ जब तक दुनिया में ज़िंदा रखें हालत ईमान पर ज़िंदा रखें खाति महो ई ईमान की हालत में हो अखुल्खलवाफरलखम ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته